जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म का दूसरा महीना यानी कि वैशाख का महीना, दोस्तों इस महीने को बहुत अधिक पवित्र माना गया है। हमारे पुराणों में भी इस महीने की बहुत अधिक महिमा का गुणगान किया गया है। हिंदू धर्म की माने तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने के स्वामी एक विशेष देवता माने गए, उनकी पूजन की विधि भी अलग अलग बताई गई है। और उसके अनुसार वैशाख मास के जो स्वामी हैं, वो है भगवान मधुसूदन। और धर्म ग्रंथों की माने तो सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान मधुसूदन के निमित्त वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए और उसके साथ ही स्नान के बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हर हिंदू को इस वैशाख के महीने में ऐसे कौन से 5 काम हैं जो अवश्य ही करने चाहिए, साथ ही ऐसे कौन से काम है, कौन सी गलतियां जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसे दोस्तों वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। और अगर आप अपना देश चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए जानते दोस्तों कि वैशाख मास में ऐसा क्या खास बात है, क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष स्नेह जो वो हमें प्राप्त होता है, सभी दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब तीर्थों से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जल दान का इतना अधिक महत्व है, जब तीर्थों की यात्रा करके प्राप्त करते हैं, दान विभिन्न तरह के व्यय करके करते हैं, उसके बजाय बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत साधारण सी चीज़ है जल, जिसके दान से भी दोस्तों आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि की असीम कृपा जो है वो मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों वैशाख के महीने में एक काम जो किया जाता है वो है दोस्तों शिवलिंग पर बांधी जाती है गलंतिका। वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका यानी कि एक मटकी या जो लोटी रहती है जिसमें कि छेद रहता है, जिससे बूंद बूंद करके पानी टपकता है, ये बांधी जाती है। इसके पीछे दोस्तों मान्यता ये कि भगवान शिव के गले में जो विष है उसके कारण उनके शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर गलंतिका जो है वो बांधी जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी अगर शिवलिंग है तो आप भी जो गलंतिका है वो शिवलिंग के ऊपर जरूर से स्थापित करें। इसके साथ दोस्तों इस महीने में सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व आपने उठना चाहिए और साथ ही हो सके तो किसी नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो लोग पूरे महीने स्नान ना कर सके उन्हें इस वैशाख के अंतिम 5 दिनों में स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए, इससे भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और जो 5 दिन नहीं कर सकते उन्हें एटलीस्ट 3 दिन यानी कि तृतीया, चतुर्दशी, 13, 14 और पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही स्नान करना चाहिए। दोस्तों, स्नान से जो है जीवन के पाप कटते हैं और हर मन की मुराद है वो पूरी होती है। इसके साथ दोस्तों वैशाख महीने में हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, खाने पीने का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग दोस्तों पूरे महीने वैशाख स्नान का व्रत का नियम लेते हैं उन्हें पूरी आस्था से इस नियम का पालन करना चाहिए और वैशाख व्रत के महात्म्य की कथा को जरूर से सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। दोस्तों, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपने अपने मंदिर में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चन करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हमारे द्वारा लिया हुआ संकल्प जो है वो बिना किसी बाधा के निर्विघ्न जो है वो पूर्ण हो सके, ऐसी कृपा कीजिए। इसलिए इस महीने में श्री हरि की जो पूजा अर्चना विशेष तौर पे करनी चाहिए। और दूसरा जो काम है दोस्तों ये है कि व्रती को, व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक समय ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख के महीने में रात्रि में भोजन जहाँ तक संभव नहीं करना चाहिए, एक समय ही
भोजन करना चाहिए और जो साधु सन्यासी लोग हैं उनके लिए ये नियम होता था कि उन्हें बिना मांगे जो भोजन प्राप्त होता था उन्हें वही खाना होता था। लेकिन एक सामान्य जन के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं है, कोई नियम नहीं है, उन्हें सिर्फ एक समय भोजन करना चाहिए। और वैशाख मास में जो सबसे बड़ा काम जो करना है वो है दोस्तों जलदान का। जलदान का विशेष महत्व इस मास में आप प्याऊ की स्थापना आप हो सके तो जरूर से करवाएं। दोस्तों जितना हो सके आप जलदान कीजिए, पक्षियों के लिए जल के पात्र रखिए, जगह जगह जहाँ पर हो सके जल सेवा का आप अपना योगदान अवश्य ही दें। अगला काम है दोस्तों पंखा, खरबूजा, अन्य ऋतु फल, जो भी ऋतु फल आते हैं वो उनका आप दान करें। अनाज का दान करें, पंखे का दान करें, चप्पल, छाते इत्यादि, यानी गर्मी से राहत देने वाली चीजों का आपने इस समय दिल खोलकर दान करना चाहिए। जो भी जरूरतमंद आपको नजर आए उसकी जो भी प्रॉब्लम हो, अगर बिना चप्पल के तो आप चप्पल दान कर सकते, बिना छाते के तो उसे छाता दान कर सकते। इसी तरह से जो जरूरतमंद जैसी जरूरत का लगे उसके अनुसार वैसा आप में उसे शीतलता प्रदान करने वाली चीजों का आपने दान करना चाहिए। और दोस्तों पांचवा काम ये है कि इस महीने में जो है आपने पीपल के पेड़ की पूजा जरूर से करनी चाहिए और साथ ही भगवान श्री हरि को श्याम और राम वन की जो तुलसी है उसका सुबह शाम को जरूर से भोग लगाना चाहिए और तुलसी की सेवा करनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा करने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। और इसके साथ इस महीने में दोस्तों पीपल को जो आप जल चढ़ाएं तो उसमें कच्चा दूध और तिल भी मिला दें और जल अर्पित करने के बाद में आप दीपक जरूर से जलाएं। दोस्तों पीपल की पूजा करने से माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ पितरों का भी आशीर्वाद जो है वो हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों इस महीने में आप पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य अवश्य करें। इस समय अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण करते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है। इसलिए आप विशेष तौर पर जो भी आपके दिवंगत पितृगण हैं, चाहे आप उन्हें जानते हो या जिनके बारे में आपको पता हो या नहीं पता हो, अपने पूरे मन से सभी के लिए जो भी आपसे जल के अभिलाषी उनके निमित्त आपने तर्पण कार्य अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों ये तो चीजें वो हुई जो हमें करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन चीजों की जो वैशाख मास में हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वैशाख मास में स्कंद पुराण की माने तो इस महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल जो है वो लगाना इस महीने में वर्जित माना गया है, तो आप इस चीज का ख्याल रखें। और दोस्तों दिन में सोना नहीं चाहिए, गर्मी के दिन होते हैं, छुट्टियों का समय होता है तो लोग समय मिलते ही सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों शास्त्रों के माने और अगर साइंटिफिक वे में भी देखें तो इस समय इस गर्मी के दिनों में दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसलिए इस समय आप सोए नहीं, अपनी जो भी इच्छा है रुचि के अनुसार कोई कार्य करें, भगवान का स्मरण करें, भजन सुन लें, लेकिन अच्छे कार्य में दिन को व्यतीत करें, सोकर उसे व्यर्थ ना करें। साथ ही दोस्तों इस महीने में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं रहता है। और वैशाख के महीने में दो बार भोजन नहीं किया जाता है। वैशाख के महीने में दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए, वो भी दिन के समय में। रात्रि में भी भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। इसका कारण दोस्तों बहुत ही वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे, क्योंकि इस समय रात्रि में जो भोजन करने से अपचित रहता है, ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि शरीर को जो है ज़्यादा पेय की आवश्यकता होती है, इसलिए रात को खाना अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसलिए दोस्तों इसे हमारे धर्म के साथ जोड़कर कहा गया है, तो आप भी नियमों को फॉलो कीजिए। साथ ही दोस्तों वैशाख के महीने में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, सत्य भाषण करें, किसी भी तरह की हिंसा ना करें, क्योंकि ये महीना है भगवान श्री हरि का प्रिय, तो ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिनसे कि भगवान श्री हरि नाराज हो। साथ ही दोस्तों किसी भी तरह का गलत कार्य, चोरी इत्यादि हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें दान करना चाहिए और पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों ये थी वो काम जो हमें वैशाख मास में नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इन चीजों का आपने जरूर से ख्याल रखना है। उम्मीद दोस्तों ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप जरूर फॉलो करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, जान पहचान के लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों हमेशा की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि
कमेंट में जय श्री हरि जरूर से लिखें या फिर अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें ताकि आपके इष्ट देव की कृपा आपके पूरे परिवार को मिल सके। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।